सो गाइज वेलकम बैक टू दी चैनल। और गाइज आज का वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि आज का वीडियो के अंदर आप लोग कंपेयर करने वाले दोनों स्मार्टफोन का, जो कि है गाइज एक रियल मी सेवन मैक्स और दूसरा है रेडमी का K50i जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। और अभी आप लोग बोलोगे भाई दोनों के अंदर क्या कंपेरिजन होता है, भाई यहाँ पर हम लोग को एक फ़ोन में देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 8100 का प्रोसेसर, 8100 का, और एक तरफ मिलता है Dimensity 1200 का प्रोसेसर। तो गाइज दोनों के अंदर क्या, गाइज क्या यार एलेक्स भाई क्या बोल रहे हैं तू, क्या कंपेरिजन हो सकता है दोनों के अंदर। लेकिन गाइज यहाँ पे एक में देखने को मिलते हैं 90 FPS, एक में मिलता है 60 FPS, और गाइज IPS AMOLED डिस्प्ले, बहुत सारा अंतर है दोनों फोन में। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोनों फोन को, कौन सा फोन आप लोग ले सकते हो, आप लोग के लिए बेस्ट कौन सा होने वाला है, कौन सा टाइप ऑफ यूज़र हो, और गाइज किस टाइप यूज़र के लिए कौन सा फोन बेस्ट होने वाला है। सो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइज आप लोग अगर कोई भी फोन को परचेस करना चाहते हो 25,000 के मतलब आसपास ही होगा फोन। सो परचेस करने के पहले ना गाइज आप लोग एक बार मतलब सोच लेना चाहिए, और वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को मतलब हेल्प हो जाएगा कुछ डिसाइड करने में कौन सा फोन आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है। सो कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और अगर चैनल में चैनल सब्सक्राइब करना, आप देख रहे हो एलेक्स के यूट्यूब चैनल, और लाइक नहीं की वीडियो को लाइक करना, एक सब्सक्राइब से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है, दिल पे लगते हैं यार। तो यार चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करने वाले, उसके बाद गाइस हम लोग बताएंगे कि आज कौन सा फोन आप लोग के लिए बेटर होगा। सो गाइस एंड तक जरूर देखना, डिसाइड भी हम लोग एंड पे करने वाले, एक एक स्पेक्स को लेकर बात करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं, सो गाइस यहाँ पे रेडमी K50i में हम लोग को देखने को मिल जाता है एक 6.6 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले, और उसी तरह हम लोग को रियल मी सेवन मैक्स में देखने को मिल जाता है 6.4 इंचेस का एक सुपर AMOLED E4 AMOLED डिस्प्ले, फिर सुपर AMOLED बोल सकते हो। सो गाइस यहाँ पे अगर बात करें डिस्प्ले क्वालिटी का, सो गाइस यहाँ पे 144Hz का डिस्प्ले देखने को, रिफ्रेशेट का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है रेडमी K50i में LCD डिस्प्ले के साथ, और यहाँ पे हम लोग को 120Hz का एक सुपर AMOLED पैनल देखने को मिल जाता है जो कि है रियल मी सेवन मैक्स के साथ। और गाइस यहाँ पे दोनों फ़ोन का हम कंपेयर करने वाले, क्योंकि दोनों फ़ोन में हम लोग को प्राइस वगैरह ड्रॉप होकर देखने को मिल जाता है, कभी कभी रियल मी सेवन मैक्स 25,000 में आ जाता है, और यहाँ पे गाइस कभी कभी रेडमी K50i भी हम लोग को सेल पे मिल जाएगा 23,000 में। तो गाइस यहाँ पे दोनों के अंदर तो कंपेयर हो ही सकता है ना, तो गाइस 2,000 का डिफरेंस है, कभी कभी रियल मी सेवन मैक्स और भी थोड़ा सा लो पे आ सकता है। तो गाइस बहुत सारे बंदे कंफ्यूज है कि 2,000 ज़्यादा लेके रियल मी सेवन मैक्स में परचेस करिए, फिर 2,000 कम लेके हम लोग को रेडमी K50i को परचेस करें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा न्यू फ़ोन देखने को मिल रहा है। सो गाइस यहाँ पे बात करते हैं दोनों फ़ोन का प्रोसेसर का, तो गाइस यहाँ पे हम लोग को रियल मी सेवन मैक्स में देखने को मिल जाता है Dimensity 1200 का प्रोसेसर। तो गाइस यहाँ पे अगर बात करें एंटूडो स्कोर का, तो यहाँ पे 660,000 जैसा एंटूडो स्कोर यहाँ पे निकल के आता है हम लोगों को रियल मी सेवन मैक्स में देखने को मिल जाता है। और गाइस अगर एंटूडो स्कोर का बात करें रेडमी K50i का, तो गाइस यहाँ पे 800,000 प्लस हम लोग को एंटूडो स्कोर देखने को मिल जाता है। और गाइस अगर बात करें एंटूडो स्कोर का और फोन का प्रोसेसर का, तो गाइस यहाँ पे जो रेडमी K50i है ये विन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसर है और GPU है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाई देता है यहाँ पे हम लोगों को Dimensity 1200 से या फिर रियलमी X7 मैक्स से। एंड्रॉइड स्कोर के मामले में बोलो, फिर परफॉर्मेंस के मामले में बोलो, डे टू डे लाइफ यूज़ के मामले में बोलो, दोनों ही में आप लोग को रेडमी K50i जो है यहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, ज़्यादा अच्छा डे टू लाइफ यूज़ करने में ज़्यादा हेल्प करेगा आप लोगों को रेडमी K50i। लेकिन गाइस डे टू डे लाइफ यूज़ कर दो ऐसे सिंपल गेमिंग के लिए, नहीं तो गाइस आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में गेमिंग का, इसलिए गाइस गेमिंग के लिए वो प्रोसेसर रेडमी K50i का अच्छा है। और गाइस अगर बात करें दोनों का टच सैम्पलिंग रेट का, तो गाइस यहाँ पे 360 टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है रियल मी सेवन मैक्स में, और उसी तरह 287 ऐसा कुछ मतलब टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है यहाँ पे हम लोग जो है रेडमी K50i में। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दे सकता था, फिर भी रियल मी सेवन मैक्स यहाँ पे विन हो। और गाइस अगर बात करें हम बैटरी का, तो गाइस यहाँ पे रियल मी सेवन मैक्स में हम लोग को देखने को मिलता है 4400mAh का बैटरी, और उसी तरफ हम लोग को देखने को 5020mAh का बैटरी देखने को मिलता है रेडमी K50i में। तो गाइस यहाँ पे बैटरी के मामले, अगर चार्ज के मामले के बोले, तो गाइस यहाँ पे रेडमी K50i ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग को निकाल के दे देगा। तो गाइस रियल मी सेवन मैक्स में आप लोग को जो AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, तो उसके वजह से यार रियल मी सेवन मैक्स भी थोड़ा सा यार बैटरी थोड़ा ज़्यादा मतलब कम खाएगा, और यहाँ पे गाइस रेडमी K50i ज़्यादा थोड़ा सा कंज्यूम करेगा बैटरी। फिर भी यार 5000mAh ह्यूज डिफरेंस यहाँ पे 1000mAh का या फिर 600-700mAh का देखने को मिल जाता है, तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी गाइस यहाँ पे रेडमी K50i अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग को बैटरी में दे देगा।
सो गाइस यहाँ पे हमने कंपेयर कर रहे हो, अगर बात करें चार्जिंग का, सो गाइस यहाँ पे 67 वाट का चार्जिंग देखने को मिल जाता है रेडमी K50i में, और उसी तरफ हम लोग को सेम चार्जर देखने को मिल जाता है, लेकिन गाइस चार्जिंग सपोर्ट जो है फोन में 50 वाट तक सपोर्ट करता है बस रियलमी 10 मैक्स में, लेकिन गाइस वो रेडमी जो K50i है वो 67 वाट बैटरी को मतलब चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो कि आप लोगों को 30 से लेकर 40 मिनट में फ़ोन को फुल चार्ज करा देगा, और फिर रियलमी 10 मैक्स आप लोगों को 55 मिनट में फुल चार्ज करा देगा। सो मैंने खुद यूज़ किया है रियलमी 10 मैक्स को, तो मुझे बताया गाइस 55 सेकंड ऐसा मिनट ऐसा कुछ लगता है फोन को फुल चार्ज कराने में। तो गाइस ये पे आए जो जो बंदे आए हो डे टू लाइफ यूज़ कर लिए कैमरा के लिए सब कुछ मतलब सब कुछ अगर बात करें तो गाइस दोनों ही फ़ोन सेम है कोई बात नहीं, तो कैमरे के मामले में दोनों ही फ़ोन अच्छा खासा कैमरा निकाल के देते हैं रियलमी 10 मैक्स, थोड़ा सा यहाँ रियलमी का कैमरा थोड़ा सा ब्यूटी देता है और गाइस अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे देते हैं या फिर रियलमी 10 मैक्स भी कैमरे के मामले में। और कैसे बात करें डिज़ाइन का, तो डिज़ाइन किसको किसका अच्छा लगेगा, मुझे तो दोनों का अच्छा लगा, तो आप लोगों को कौन सा अच्छा लग सकता है, मतलब कोई फ़ोन यूज़ करने के बाद यार उसका डिज़ाइन थोड़ा सा फीका फीका लगता है, इसीलिए रियलमी 10 मैक्स मेरे को थोड़ा सा फीका फीका लग रहा है, फिर भी यार मुझे लग रहा है कि रेडमी K50i का डिज़ाइन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस आप लोगों को कौन सा फ़ोन का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट पर ज़रूर बता सकते हो। और अगर बात करें कंपटीशन का, तो गाइस यहाँ पे क्लियर विनर निकल के आ जाता है, मतलब गाइस क्या ही बोलूँ, यहाँ पे कोई भी क्लियर विनर निकल के नहीं आता है, क्योंकि गाइस यहाँ पे दोनों ही फ़ोन जो है एक एक तरफ से आगे है, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो रेडमी K50i है प्रोसेसर ज़्यादा बेटर है रियलमी 10 मैक्स से। अगर बात करें डिस्प्ले क्वालिटी का, सो गाइस यहाँ पे रियलमी 10 मैक्स अच्छा है, तो आप लोग अपने हिसाब से फ़ोन को परचेज करा, बस आप लोग सिर्फ गेम खेलना है, स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, यूट्यूब पर डालना है और सिर्फ गेम खेलना, अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, परफॉर्मेंस में कोई भी आप लोग कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे गाइस आप लोगों के लिए बेटर ऑप्शन हो जाएगा रेडमी K50i। और एक न्यू भी फ़ोन आ जाती है यहाँ पे एडवांटेज आता है न्यू फ़ोन लेटेस्ट फ़ोन, और उसके साथ गाइस रियलमी 10 मैक्स जो है यहाँ पे उसमें गाइस आप लोगों को देखने को मिल जाता है गाइस यहाँ पे डायमेंसिटी 1200 का प्रोसेसर, और यहाँ पे गाइस आप लोगों को एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे एडवांटेज है। उसके साथ गाइस यहाँ पे आप लोगों को अच्छा थोड़ा सा बेटर कैमरा देखने को मिल जाता है, ये भी अच्छा है। सो अभी गाइस आप लोगों को डिसाइड करना है आप लोगों को कौन सा चीज़ चाहिए, अच्छा डिस्प्ले के साथ अच्छा कैमरा मतलब चाहिए, फिर गाइस आप लोगों को गेमिंग परफॉर्मेंस में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं रखना है, तो मेरे हिसाब से आप लोग रेडमी K50i ले सकते हो, क्योंकि गाइस ये थोड़ा सा प्राइस भी कम है 2-3 हज़ार, उसके साथ गाइस परफॉर्मेंस भी अच्छा निकाल के दे देगा, तो गाइस यहाँ पे फोन आप लोग रेडमी की तरफ ही जा सकते हो। मेरे हिसाब से आपको कौन सा फोन बेटर लगा आप लोग कमेंट में बता सकते हो। सो ये चलो आज का वीडियो यही था, इतना ही था, आप लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक कर दें, लाइक रखते हैं 100 लाइक, मुझे पता है आप लोग कंप्लीट कर दोगे, सो गाइस यार चलो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट कर देना कुछ भी, ओके तभी चलो टाटा बाय बाय, मिलती है ज़्यादा कोई मेरे से कमेंट मतलब वीडियो के साथ, और यार सपोर्ट करना और कौन सा टॉपिक ऊपर वीडियो बनाना है बताना, टाटा।